चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास मजीद 13 इंक्वायरीज और रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी गई। नैब इलामी के मुताबिक साबिक वज़रा इकराम दुरा ने निसार खोड़ों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। इजलास में चेयरमैन नैब ने हिदायत की कि मेगा करप्शन केसेस तरजीही बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाए जाएं। इसी पर हम बात करेंगे, बिलाल अफरीदी हमारे साथ हैं। बिलाल, बताएगा आज के इजलास की कार्रवाई। आज बिल्कुल, चेयरमैन नैब के जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज हुआ और इस इजलास में साबिक वफाकी वजीर अकरम खान दुरानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई और इसके साथ साथ साबिक सूबाई वजीर निसार खोड़ों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई और इसके साथ साथ आसमा अरबाब आलमगीर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में साबिक डीसी वली खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर एहसान के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी और मेगा करप्शन केसेस की जो है वो मंजूरी दी गई। इस मौके पर जो है वो चेयरमैन नैब का कहना था कि मेगा करप्शन केसेस सभी बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और नैब दफ्तर आने वाले तमाम अफराद का जो है वो एहतराम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।